स्वागत है आपका माइंड मेकर्स पर। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे मालदीव्स के राष्ट्रपति के भारत के दौरे को लेकर। मालदीव के प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली भारत के दौरे पर 1 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक हैं। इस दरमियान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने मालदीव के ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इसके अलावा उन्होंने साइबर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर भी 6 करार किए हैं। मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का निर्माण भारत के $100 मिलियन और $400 मिलियन के क्रेडिट लाइन के तहत किया जाएगा। इसके अलावा भारत ने $100 मिलियन की अतिरिक्त क्रेडिट मालदीव्स के विभिन्न डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर आवंटित किया है। अपने इस दौरे पर राष्ट्रपति सोली अन्य इंडियन बिजनेस डेलीगेशन की मीटिंग को भी अटेंड करेंगे। इसके साथ ही वो मुंबई के कुछ बिजनेस इवेंट्स में भी हिस्सा लेंगे। बताया ये जा रहा है कि ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट और कई अन्य प्रकार के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के इस करार को लेकर भारत और मालदीव्स के रिश्ते और भी मजबूत होंगे। राष्ट्रीय संबोधन में राष्ट्रपति सोलिह ने भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि भारत ने कोरोना महामारी के दौरान मालदीव्स को काफी मदद पहुंचाई है। अपने इस दौरे में मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने सबसे पहले भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर से मुलाकात की, जहां उन्होंने भारत के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और मालदीव्स के इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के ऊपर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्राइम, टेररिज्म और ड्रग स्मगलिंग एक गंभीर खतरा का विषय है। भारत और मालदीव के मजबूत रिश्ते शांतिपूर्ण व्यवस्था को कायम रखने में काफी मददगार साबित होगा। आपको बता दें, मालदीव्स भारत के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में सबसे अहम पड़ोसी देश है, जो कि भारत के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में एक खास अहमियत रखता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद इब्राहिम सोलिह को आश्वासन दिया है कि भारत हमेशा से मालदीव के बुरे वक्त में साथ रहा है और आगे भी इसका साथ निभाएगा। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद इब्राहिम मोहम्मद सोलिह भारत के लिए पहले विदेशी राष्ट्रपति अतिथि हैं, जिनकी मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।